गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लास्ट क्लास तक मॉड्यूल्स कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाले पर्टिकुलर केस भी देखी है। आज हम कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं, एक दो प्रॉब्लम ऐसे लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल, मॉड्यूल्स इक्वेशन कंटेनिंग मोर देन वन वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल है तो जितने वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यू फाइंड करना हो गया, और उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्व द इक्वेशन, है ना। हमने क्या किया, उन्हीं को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जितने वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं और जो वैल्यू आती है दे आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, राइट। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो गए तो क्योंकि कोई प्रॉब्लम, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव, एक्स माइनस मॉड वाई इक्वल्स टू, है ना। टू इक्वेशन गिवन है, टू वेरिएबल, और हमें क्या करना है, सॉल्व। सॉल्व का मतलब वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई दिस दीज टू इक्वेशंस, राइट। तो देखो इसमें एक काम करते हैं, हम एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें। उसके लिए मैंने एक काम किया, एक्स की वैल्यू निकाली मॉड वाई प्लस वन, राइट। सेकेंड इक्वेशन से एक्स कैलकुलेट मॉड वाई प्लस वन, वो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट, एक्स के प्लेस पर मॉड वाई प्लस वन प्लस टू प्लस वाई पूरा वाई में आ गया। इसको सॉल्व करते हैं कैसे, ये मॉड वाई प्लस थ्री, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, तो ये आउटर मॉड लगाने की जरूरत है। रीजन बताएगा कोई क्यों, ये मॉड अंदर था एक्स, मॉड एक्स एक्स होता है अगर एक्स पॉजिटिव, तो मॉड वाई प्लस थ्री पॉजिटिव। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही सही से, नहीं आ रही सर, क्लियर नहीं दिख रहा है, देखेंगे। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस वाई इक्वल टू फाइव, सेकेंड इक्वेशन है एक्स माइनस मॉड वाई इक्वल्स टू वन। इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू, तो मैंने सेकेंड इक्वेशन से वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की, एक्स इक्वल टू मॉड वाई प्लस वन, राइट। वो इसमें मॉड वाई एक्स के प्लेस पर मॉड वाई प्लस वन प्लस टू मॉड वाई प्लस वन प्लस टू इक्वल टू प्लस वाई इक्वल टू, क्लियर है ये। अब ये ऐसा किया इसलिए क्योंकि पूरा वाई में आ गया। अब हम वाई कैलकुलेट कर लेंगे। वाई कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखें, केस बनाना पड़ेगा। चलो अभी लिखते हैं, मॉड वाई प्लस वाई फाइव माइनस थ्री, तो टू केसेस बना लेते हैं, वाई इक्वल टू जीरो तो वाई लेस देन जीरो, और सेकेंड केस क्या बनेगा बेटा, वाई ग्रेटर, तो वाई लेस देन जीरो है तो मॉड वाई कैसे ओपन होगा, माइनस वाई से प्लस वाई इक्वल टू टू, जीरो इक्वल टू इट इज फॉल्स। इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं मिला भाई। सेकेंड केस में वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वाई मॉड वाई के प्लेस पर वाई टू वाई इक्वल्स टू वन, टू वाई इक्वल्स टू टू वाई इक्वल्स टू, ये क्या वाई पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है वन, यस वाई इक्वल्स टू वन आया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू वन इन दिस, है ना, इस रेफ क्या था, x equals to mod y, y के प्लेस पर 1, 1 का mod 1, आंसर क्या लिखेंगे, x equals to 2, y equals to, समझ में आया क्या बच्चों, कैसे किया, yes, तो वो सेकंड स्टेप में उसका मॉड कहाँ गया? ये वाला मॉड? यस सर। हाँ सुनो, मॉड वाई ये पॉजिटिव है, वन प्लस टू थ्री पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है अगर अंदर के नंबर, तो मॉड लगाने की क्या जरूरत, क्योंकि हम जानते हैं मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स होती है कब, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री, डेफिनेशन। मॉड एक्स की जगह क्या लिख देते हैं, एक्स, अगर उसके अंदर का नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू, अंदर का नंबर मालूम है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये नंबर मालूम है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं, राइट, ओके, क्लियर। नोट करें बेटा, एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट लॉगरिथम स्टार्ट।
रन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन है वाई इक्वल्स टू 2 मॉड। यस सर, ऐड कराओ। हाँ सॉल्व करें। वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। सर एक्स की दो वैल्यू आ रही है, -10 और 10/3। बिल्कुल सही। अब इन x के करेस्पोंडिंग y की वैल्यू भी निकालो। आपने सही वैल्यू बताई दोनों x की। x की एक वैल्यू है -10 और सेकंड है 10/3। सर -20 प्लस माइनस 10/3 आ रही है। नहीं वो देखो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। -10/-10 आएगी और +10/3 आएगी x की। यस सर, -10 एंड 10/3। आप क्या करो, सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू इसमें रख दो, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड। तो क्या करेंगे हम, y की वैल्यू क्या है 2 mod x 20 एंड 20/3। बिल्कुल सही बताया, 20 और 20/3 बिल्कुल सही। ये बेटा ये वाला मॉड हटाया तो आ गया प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस 10 भी आया माइनस 10 भी, तो दो के अलग अलग लिख लें या प्लस माइनस चल लेते साथ में। मॉड एक मॉड है, इसके दो केस बनाते x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन। जब x लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव आएगा, देखो 2 मॉड x की जगह माइनस x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस x इक्वल्स टू प्लस माइनस। x क्या क्या है, माइनस का वहां माइनस प्लस है, कौन सा सेटिस्फाई करेगा, लेस देन 0 x इक्वल टू प्लस 10 वाला सेटिस्फाई। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो मॉड x के प्लेस पर प्लस x प्लस माइनस 10, तो 3x इक्वल्स टू प्लस माइनस 10। सो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 10 बाय कौन सा लगेगा, ग्रेटर वाला, पॉजिटिव वाला, माइनस वाला रिजल्ट। समझ में आया, हाँ, x की वैल्यू -10 यहाँ रखी, सेकेंड इक्वेशन -10 रखूंगा तो -10 का मॉड +10 ही होगा 20। x -10 उसके करेस्पॉन्डिंग y 20, एक सॉल्यूशन। x और y एक साथ लिखा ये पूरा वन सॉल्यूशन क्या, ठीक है। और सेकेंड सॉल्यूशन x के प्लेस पर 10/3 का मॉड 10/3 तो 20/3। x जब 10/3 लिया y आया 20। समझ में आई बच्चों बात, दीज आर टू सॉल्यूशन, -10/20 x की वैल्यू y की वैल्यू। सो हम -10/3 क्यों नहीं ले रहे हैं, कहां पर, यहां। अगर मैं x की वैल्यू -10/3 लूंगा तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और ये कंडीशन है तभी तो हमने मॉड x की जगह प्लस x लिखा है। अगर ये कंडीशन ना होती तो हम मॉड x की जगह प्लस x कैसे लिख सकते। तो जो भी आंसर निकलेगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। राइट,
कंप्लीटेड है ना, तो मॉडुलस इक्वेशन इन मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकते हैं। पहले वाले में पॉजिटिव क्यों लिया, ये पहले वाले नेगेटिव लिया है क्योंकि पहले वाले में माइनस टेन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस टेन नहीं कर रहा है, इसलिए प्लस वाला नहीं लिया। राइट, जो केस लिखा उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखा। सर पर अगर अपन इसको अगर अपन माइनस लेते तो x की वैल्यू 10 आती फिर, क्योंकि यहां पे तो LHS में माइनस 6 है ना। हां ये हां तो वो तो हटा दिया ना बेटा मैंने, माइनस कैसे हटाया, माइनस तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से, तो इस हाँ। में मल्टीप्लाई हुआ तो हटा लिया मैंने यहां। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर है? यस सर। है ना, तो अब हमें नेक्स्ट कंसेप्ट पर आना है बेटा, जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथम। सर इसके अंदर अपन वो लगा सकते हैं क्या, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज? किसके अंदर? ये जो क्वेश्चन था, बिल्कुल सब में लगा सकते हो, एप्लीकेबल होना चाहिए, एप्लीकेबल होगी तो बिल्कुल लगा सकते। ठीक है, यस सर। Now we have to start logarithm. ठीक है बेटा, logarithm start। तो logarithm के पहले हमें logarithm actually बना किससे, exponentials है ना, expo जैसे हम लिखते हैं 2 की पावर 2 cube equals to 8, तो 2 base हो गया 3 power, उसका exponent हो गया, index हो गया, power हो गया और result क्या आया 8। तो इसी से लॉगरिथम बना है, तो हमें सबसे पहले एक्सपोनेंट्स अच्छे से आना चाहिए, मालूम है सभी को? एक्सपोनेंट को और क्या क्या बोलते हैं बेटा, इंडेक्स भी बोलते हैं, पावर भी, और ये हमने 8th से 10th तक पढ़ा हुआ है। एक्सपोनेंट जैसे मैं लिखता हूं a टू दी पावर m, और m क्या बोल दिया हमने, पॉजिटिव इंटीजर। अगर m पॉजिटिव इंटीजर है तो a टू दी पावर m का मतलब क्या, a into a m times, समझ में आया क्या? लेकिन उसके लिए पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी टाइम्स की टर्म में लिख सकते। a क्यूब होगा तो लिखेंगे हम a into a 3 times, लेकिन a की पावर 7/2 होगा तो लिख सकते हैं क्या 7/2 times? नहीं लिख सकते, इसलिए m क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक, a इक्वल नॉट जीरो, then a to the power 0 equal to 1, ये सबको मालूम है, लेकिन जो बेस है, बेस की पावर 0 हो, पावर 0 हो तो 1 आता है, लेकिन बेस 0 नहीं होना चाहिए, बेस भी 0 हो गया तो 0 to the power 0 indeterminate form, right? वीडियो पॉज हो गया, आपका वीडियो पॉज हो गया। वॉइस भी नहीं आ रही है।
और दोस्तों तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है भाई? संदीप थोड़ा धीरे बोल दिया करो यार, आप इतना जल्दी जल्दी डन डन कर रहे हो। हाँ बच्चों दिख रहा है ना बेटा, थोड़ा वेदर के कारण नेटवर्क प्रॉब्लम है, देखो बस बेटा कोशिश करते रहना। हाँ ये प्रॉपर्टी समझ में आई क्या, इंडाइसेस कितनी लिखी? यस सर। और भी प्रॉपर्टी होती है इंडाइसेस की, ये तो तीन फोर्थ, a to the power m divided by a to the power m a to the power m full power n, a to the power 1 by q whole power q, तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो a to the power q whole power 1 by q, एक ही बात। a b to the power m अलग अलग कर सकते हैं, a to the power m b to the, क्लियर बच्चों ने यहां तक प्रॉपर्टीज? किसी भी प्रॉपर्टी में कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं, एनी डाउट। हाँ सबसे अब मैं किसी से पूछ रहा हूँ, ये कभी प्रूव किया है a टू दी पावर जीरो, जो सेकंड प्रॉपर्टी लिखी है a टू दी पावर जीरो इक्वल्स टू वन? यस सर। a टू दी पावर जीरो ये प्रूव? यस सर किया है। बहुत इजी बेटा, किसी का माइक ऑन है ऑफ कर लो। हाँ जीरो को लिख सकते हो कोई भी दो फाइनाइट नंबर का डिफरेंस, सेम फाइनाइट नंबर का डिफरेंस, ठीक है बच्चों? अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, कौन सी? a की पावर m माइनस a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर, सेम नंबर्स को जब डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या है? समझ में आया बच्चों? ओके बेटा, है ना? आई नो है ना, लेकिन हाँ एक बार और फिर से डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। लेट a इज ग्रेटर देन जीरो, a इक्वल नॉट वन, b ग्रेटर देन जीरो, एंड ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहां से हमने लिखा लॉगरिथम ऑफ नंबर बी टू द बेस ए इक्वल्स टू एक्स, सो एक्स और एक्स इक्वल टू लॉग बी टू द बेस, ये जो बी है बी इज कॉल्ड नंबर ऑफ लॉगरिथम, बी इज ग्रेटर देन जीरो होता है इसलिए बी जीरो से किसी भी लॉगरिथम का नंबर जीरो टू इंफिनिटी में नहीं। ए इज कॉल्ड बेस ऑफ लॉगरिथम, ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वन नहीं हो सकती, तो इंटरवल आएगा 0 टू 1 यूनियन 1 टू इनफिनिटी ओपन। अगर हम बेस लॉगरिथम का बेस 10 ले लेते हैं तो log b टू द बेस 10, क्या बन जाएगा? log b टू द बेस 10। तो ऐसे लॉगरिथम जिनका बेस 10 होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉमन लॉगरिथम, राइट? कॉमन लॉगरिथम कंप्लीटेड। अब हमें e बेस वाले लॉगरिथम की बात और करना है।
ई मैं पहले भी नंबर सिस्टम में बताया ई होता है एक्सपोनेंशियल नंबर। तो अगर हम इफ बेस को ई ले ले, ए की जगह ई ले ले, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग बी टू द बेस, है ना, हमने एक्स इक्वल टू लॉग बी टू द बेस ही लिखा था, उसे को ई ले ले। इसको इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है एल एन बी, कहीं पर भी एल एन 25 लिखा, इसका मतलब लॉगरिथम ऑफ 25 टू द बेस ई, अंडरस्टूड है, बेस ln कहीं लिखा हुआ है, ln 100 इसका मतलब log 100 टू द बेस ई, अंडरस्टूड है, ln b क्या रीड करते हैं, ln b इसका मतलब क्या, log b टू द बेस ई, लॉगरिथम विद बेस ई। लॉगरिथम विद बेस ई is called natural logarithm with base e is called natural logarithm। जिस तरह बेस 10 के लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम बोलने का एक स्पेसिफिक रीजन है, कॉमन नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, वैसे इसका कोई लॉजिक नहीं है। नेपियर, फादर ऑफ लॉगरिथम, उन्होंने बेस ई के लॉगरिथम को नेचुरल लॉगरिथम बोला था, इसलिए तभी से हम सभी इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल, राइट, नो अदर लॉजिक टू से नेचुरल लॉगरिथम। इज इट क्लियर? ओके, ln रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉगरिथम, नथिंग एल्स, रिप्रेजेंट करते, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ln लेटर से, ln दो लेटर से लॉगरिथम ऑफ, और उसमें ln मतलब वो हो गया लॉगरिथम टू द बेस, बस इतना ही मीनिंग, और कोई इससे ज्यादा कोई मीनिंग नहीं, राइट। अब हमें पढ़ना होता प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम की बात। लॉग वन किसी नंबर का लॉगरिथम, किसी नंबर का सेम बेस पर लॉगरिथम वन, ओके, लॉग ए टू द बेस इक्वल टू वन, लॉगरिथम ऑफ ए टू द सेम बेस इक्वल टू वन, प्रूव करना है कैसे आए, लॉग ए टू द बेस, किसी भी नंबर a की पावर 1, a होता है a raised to 1 equals to a, कौन सा फॉर्म लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन लॉगरिथमिक फॉर्म, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन लॉगरिथमिक फॉर्म, क्या आ जाएगा, log a टू द बेस a रिप्रेजेंट द इंडेक्स, समझ में आया क्या, log a टू द बेस a इक्वल टू, ओके, सो कोई भी नंबर सेम, जैसे हम बोले log 7 टू द बेस 7 क्या होगा, log 25 to the base 25 क्या होगा, समझ में आई क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी सर, यस सर, एक बार वो आपने वो लिखा था ना ऊपर की कंडीशन इफ a इज इक्वल टू e, हां यस, e क्या रिप्रेजेंट करता है एक बार फिर बता दीजिए प्लीज, एक्सपोनेंशियल नंबर, नंबर सिस्टम में बताया था मैंने एक्सपोनेंशियल नंबर, e को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर, e नाम है एक्सपोनेंशियल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर, रेशनल नहीं है, तो इरेशनल नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू तो लिख नहीं सकते, डेसिमल में अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं, वो मैं लिख रहा हूं 2.718 एंड सो, और भी लेटर आते जाएंगे, जैसे पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते अपन, 3.14 एंड
कितने भी डिजिट तक, क्योंकि वो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। उसी तरह ईवी टर्मिनेटिंग भी नहीं होता, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल है, सो इट इज इरेशनल। ओके सर, आगे से समझ। ओके, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है सभी को, लॉग ए टू द बेस ए इक्वल्स टू वन। ओके, कैसे प्रूफ भी समझ में आया, कैसे प्रूफ भी लिखते जाना, रिवाइज करना रहता। लॉग वन टू द बेस ए इक्वल टू जीरो, सेकेंड प्रॉपर्टी लॉग वन टू द बेस ए इक्वल टू जीरो। कैसे प्रूफ देखो इसका, किसी भी नंबर ए की पावर, एनी नॉन जीरो नंबर, ए की पावर जीरो क्या होता है, वन। तो अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म लिखो इसका, लॉगरिथम ऑफ वन टू द बेस ए रिप्रेजेंट द इंडेक्स। सो लॉग वन एट एनी डिफाइंड बेस इज ऑलवेज जीरो। आप लिखो, बोला जाए लॉग वन टू द बेस 25 जीरो, लॉग एट, लॉग वन टू द बेस एट जीरो, राइट। दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हुई सभी को, प्रूफ भी समझ में आया कैसे लिखें। लॉग ए टू द बेस ए वन होता है, लॉग वन टू द बेस ए जीरो, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लॉग ए टू द रेज बेस ए रेज टू माइनस वन, लॉग ए, और ये बेटा बेस है पूरा, ए रेज टू माइनस वन बेस है, माइनस वन। थर्ड प्रॉपर्टी, नंबर और जो बेस है, बेस भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और उसमें बेस क्या है, ए रेज टू माइनस वन, तो ये ए और ए सेम हो गया और पावर माइनस वन सबसे आगे आ गई, माइनस वन, है ना। प्रूव कर सकते हैं कैसे भी, ये रफ कर दूं ये प्रूफ, या ऊपर से कर। प्रूफ देखेंगे, ए रेज टू माइनस वन होल पावर माइनस वन इक्वल टू ए होता है। देखो ये माइनस वन और माइनस वन का मल्टीप्लाई प्लस वन हो जाएगा, तो ए की पावर वन, राइट। अब हम इसका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख, लॉगरिथमिक फॉर्म लिख दें, लॉगरिथम ऑफ नंबर ए टू द बेस, बेस क्या है, ए रेज टू माइनस वन रिप्रेजेंट द इंडेक्स। देखें, लॉगरिथम ऑफ नंबर ए टू द बेस ए रेज टू माइनस वन रिप्रेजेंट द इंडेक्स। राइट, तो ये हमने भी थ्री प्रॉपर्टीज हमने लिखी है, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है। तो लॉग ए टू द बेस ए वन, लॉग वन टू द बेस ए जीरो, लॉग ए टू द बेस ए रेज टू माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन। यस सर, लिख लिया, ठीक है, कंप्लीटेड। अब फोर्थ आ रहे हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी पर, हाँ बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी का बोल रहे हैं, समझ में नहीं। देखो एग्जांपल लिख देता हूं, लॉग फाइव टू द, लॉग फाइव, ये तो लॉगरिथम का नंबर है फाइव, टू द बेस फाइव रेज टू माइनस वन रिप्रेजेंट माइनस वन। लॉग का नंबर और उसके बेस का बेस, जो बेस में जो बेस है वो सेम है और बेस का एक्सपोनेंट माइनस वन है, तो माइनस वन आ जाए। जैसे लॉग 28 रेज टू माइनस वन, तो आंसर इज माइनस वन। ओके, रफ करूं, पर अगर उसका बेस दूसरा नंबर हुआ तो, या तो जैसे 6 टू द पावर माइनस 1, नहीं तो उसके लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी, आगे नहीं लिख सकते, माइनस 1 नहीं आ सकता, ठीक है। अब बोल रहे ए माइनस 6 हुआ तो, माइनस 1 की जगह माइनस 6 हुआ, नो सर, ए की जगह कोई और आ जाए, नहीं, नहीं। हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया,
हाँ ये तीनों प्रॉपर्टी क्लियर है, एग्जाम्पल भी लिखे हैं, प्रूफ भी बताएं। फोर्थ प्रॉपर्टी a टू दी पावर, a टू दी पावर log b टू द बेस, ध्यान से समझे इसको, a की पावर है, एक a अगर a देखे और इसको पावर समझ लें तो a की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और जो एक्सपोनेंट है वो लॉगरिथमिक फॉर्म है, एंड एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, तो बेस और एक्सपोनेंट लॉगरिथमिक फॉर्म, तो रिवर्स ऑपरेशन हो गया, ये a से log b, log a कैंसिल हो गया तो रिजल्ट आ गया b, मैं अल्जेब्रिकली भी प्रूव कर दूंगा, पहले समझ लें क्या है, a टू द पावर log b टू द बेस, तो a से log a हट गया, केवल क्या आ गया, जैसे एग्जांपल 7 टू द पावर log 25 टू द बेस, आप सीधा रिजल्ट लिखोगे 20, 11 टू द पावर log 81 टू द बेस 11, सीधा रिजल्ट, प्रूफ देखो एल्जेब्रिकली प्रूफ देखो, हम मान लेते हैं log b टू द बेस जो एक्सपोनेंट log b टू, उसको क्या मान ले उठा t, t लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हो, b इक्वल टू क्या आएगा कोई भी बता, log b टू द बेस a इक्वल टू t, तो b निकालोगे तो क्या आएगा, a टू द पावर t, बिल्कुल सही बताया सर, b कैलकुलेट करेंगे तो a टू द पावर t, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ये लॉगरिथमिक फॉर्म लिखते हैं और ये लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इतना मन से किया, अब LHS लिखो, LHS क्या है आपकी, a टू द पावर log b टू द बेस, सो a टू द पावर log b टू द बेस a को क्या बोला आपने, देख लो ध्यान से देखो, LHS ली उसमें log b टू द बेस a को क्या रखा t, a की पावर t बन गया, और a की पावर t की वैल्यू क्या है, RHS आ गया, समझ में आया क्या, है ना, तो दो मिनट और ध्यान से कंसंट्रेशन से नोट करें, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर एग्जांपल लिखे ही हैं, completed, fourth property complete, okay, sorry की नहीं हुई है, लिख लो बेटा sorry, बेटा ऐसा आप लिख के देखो, रिपीट जैसा कुछ है नहीं, LHS जो है उसमें जो एक्सपोनेंट है log b to the base है उसको t ले, right? उसको क्या मान लिया t, तो अब यहां लॉगरिथम की डेफिनेशन लगाई, so b equals to a raised to t, ये log की डेफिनेशन से लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो b equals to a raised to t, बस इतना ही किया मैंने, LHS लिया, लिखा LHS, a log b to the base को क्या माना था t, तो बन गया ये a की पावर, ए की पावर टी की वैल्यू निकाल के रखी हुई है, राइट, और क्वेश्चन में इस तरह से अप्लाई कर, बात समझ में आ गई बच्चों,
ओके रफ करें रफ करें बच्चों यस सर नेक्स्ट लॉग एम इंटू एन लॉग एम इंटू एन टू द बेस इंटू सम में आ जाता है लॉग एम प्लस लॉग एन log m into n equals to log m plus log n याद रखना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक करते हैं log a m plus n equal to log m अलग अलग हो जाएगा log बिल्कुल गलत नहीं होता equal not log m plus n log m plus log n नहीं होता log m into n equals to log m to the base a plus log n to the base m into n किसमें अलग अलग सेपरेट हो जाता है log के साथ m अलग हो जाता है प्लस में ये माइनस ये कोई रूल नहीं log m plus n equal not log m plus log n log m minus n equal not log m minus right इसकी बात कर रहे हैं इसको प्रूव करें log m into n को log m plus log n कैसे लें right देखिए इसका प्रूफ log m to the base equal to x and log n to the base equal to, right यहां से m equal to क्या है a to the power x n equals to क्या है दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करो m into n m into n e की पावर x into e की पावर a की पावर लॉ ऑफ इंडाइसेस x प्लस y हाँ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉगरिथमिक फॉर्म लिखो लॉगरिथम ऑफ नंबर m n टू द बेस e रिप्रेजेंट एक्सपोनेंट लॉगरिथम ऑफ नंबर m n टू द बेस e रिप्रेजेंट एक्सपोनेंट m into n इक्वल्स टू x की वैल्यू log m टू द बेस e y की वैल्यू log n to ये प्रूव हो गया log m into n log m plus log n होता है log m plus log n log m into n दोनों तरफ से हम अप्लाई कर सकते हैं अभी को मैं एक दो एग्जांपल दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है अभी पहले फॉर्मूला लिखें ये बताया कि ये इक्वल नहीं होता है और ये इसका प्रूफ दिया है ना नोट हाँ, वो आएगी बेटा आगे प्रॉपर्टी आएगी मैं एक एक करके लिख सकता हूँ ठीक है आप जिसकी बात कर रहे हो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो आएगी इसके बाद नहीं पावर नहीं है बेटा log m logarithm of n to the base a power थोड़ी होती है ये base a a की power m नहीं है ये लिखा है log m to the base a base a log का a की power m नहीं है complete ओके अब देखना क्वेश्चन लिख के
log 6 to the base 10. कैसे लिख 6 के फैक्टर log 10 अपनी जगह है 6 के फैक्टर की 2 into 3 m into n फिर क्या आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप अब ये अभी प्रॉपर्टी नहीं लगाई अभी तो 6 को 2 into 3 है अब ये प्रॉपर्टी लगा log m into n log m plus log m. ठीक है समझ में आया कैसे अप्लाई की अब जैसे बेटा ये टू नंबर्स के लिए है वैसे हम कितने भी नंबर के लिए प्रॉपर्टी लिख सकते हैं भाई ये तो टू नंबर के लिए तीन के लिए लिख दो लो लॉग क्या आ जाएगा लॉग एन प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी दो नंबर का प्रोडक्ट प्लस में आया तो तीन का प्रोडक्ट भी प्लस में आएगा और सब बहुत सारे नंबर लिख सकते A1, A2, A3, An, n number. सब प्लस में आ जाएंगे. Log A1 to the base A plus log A2 to the base A plus and so on. Log An to the base. तो ये दोनों additional property लिख दी इसको ही देखकर. कितने भी finite numbers के लिए true. Complete. इसी प्रॉपर्टी पर दो या तीन ये और ये एक ही प्रॉपर्टी बेटा एक दो तीन एक जैसी एक ही मतलब Prove that log 1 plus 2 plus 3 log 1 plus log 2 plus log 3. आप बोलेंगे कि अभी आपने ही मना किया था कि log m into n log m plus n को log m plus log n नहीं लिख सकते बिल्कुल नहीं ये तो पर्टिकुलर नंबर है जिनमें लिख सकते क्योंकि ये 1 2 3 ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 1 2 3 ऐसे तीन नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट और सम दोनों सेम होगा 1 plus 2 plus 3 ठीक है इसलिए ये क्वेश्चन में ऐसा हो गया log m plus n equals to log m plus log n. बाकी थोड़ी होता किसी में तो प्रूव करें LHS ले लें वन प्लस टू प्लस थ्री क्या होता बेटा सिक्स सिक्स को क्या लिखोगे वन इंटू टू इंटू थ्री एम इंटू एन इंटू पी लॉग एन लॉग एम इंटू एन इंटू पी लॉग एन प्लस लॉग राइट कंप्लीट बच्चों यस सर करूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आऊं log m divided by n log m divided by n
log n to the base a minus log n to the base. Log m upon n to the base. क्या होता है log m to the base a minus log, जिस तरह मल्टीप्लाई प्लस में गया डिवीजन माइनस में जा लॉगरिथम है ना, जैसे प्रूफ तो वैसे ही होगा बिल्कुल. log m to the base a, तो x मान लो log m to the base a, यहां से मिलेगा m equals to a to the power x और n equals to a to the power, डिवाइड कर दो दोनों को. a to the power x, तो लॉगरिथम ऑफ द नंबर m by n टू द बेस a रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंट. m by n equals x की वैल्यू log n टू द बेस माइनस y, y की वैल्यू. ठीक है, हो गया बच्चों. है ना, क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे log 3 by 5 base 10 लिख दोगे log 3 minus log 5, और अगर ये लिखा होगा तो ये लिखो देखें ध्यान से, इसी प्रॉपर्टी से बनाई log m upon m equals to minus times of log n upon m. अगर मैं m upon n को इंटरचेंज कर दिया n upon m, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज, तो माइनस बन, कैसे प्रूफ बड़ा आसान. क्या करोगे, ये वाली ऊपर प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, माइनस कॉमन ले, ये पहले आ गया, ठीक है. फिर से प्रॉपर्टी है लॉग एन माइनस लॉग एन, तो इसके अपॉन में ये पहले वाले के अपॉन में दूसरा वाला. प्रूफ समझ में आया गया. जैसे कहीं लिखा है log base 2 3, आप क्या लिखोगे, चाहोगे तो आप इसको लिख दोगे minus tenth of log 2 log 1 by 3 to the base. ये 3 by 1 था तो उसकी जगह क्या किया 1 by 3, तो minus आ गया.
गया बच्चों, अब आगे जिस तरह साइन थीटा इंटू साइन थीटा को आप क्या लिखते हो, एक्चुअली तो ये साइन थीटा होल स्क्वायर है, लेकिन आप ऐसा इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हो, रिप्रेजेंटेशन है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब तो साइन थीटा होल स्क्वायर होता है साइन थीटा इंटू साइन, लेकिन आप रिप्रेजेंट इस तरह से कर देते हो, उसी तरह लॉग में भी। log b टू द बेस ए, यहां स्क्वेयर लगाओ, log स्क्वेयर b टू द बेस ए, इसका मतलब क्या है? log b टू द बेस ए होल स्क्वेयर, क्या ये मतलब समझ में आया क्या सबको? yes, sir. है ना, इसका मतलब है log b टू द बेस ए इंटू log b टू द, हाँ ये समझ में आया सबको कि ऊपर इंटरचेंज कर दिया तब भी साइन माइनस आगे क्यों नहीं लिखा? इंटरचेंज कर दिया मैंने एम बाय एन के, पर साइन तो माइनस तो आगे लिखा ही क्योंकि स्क्वायर है, कर सकते हैं स्क्वायर के कारण, स्क्वायर का मतलब क्या है होता होगा बेटा, दो बार लिखेंगे और स्क्वायर है वो, अब इसमें भी इंटरचेंज किया आपने और इसमें भी इंटरचेंज किया, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, और ये दोनों सेम है, x into x, x या log n by m into log n by m, log square n by m to the base, समझ में आई क्या बच्चों प्रॉपर्टी? ओके, हेलो, आज के लिए एक और लास्ट प्रॉपर्टी और लिख रहे हैं, आज की लास्ट प्रॉपर्टी लॉगरिथम की, और भी प्रॉपर्टी, ये हो गया सभी का? yes, sir. ना ये लॉग का नंबर है बेटा, एम टू दी पावर एन, ये पूरा और बेस ए अपनी जगह पे, तो जो नंबर में जो पावर होता है वो आगे आ जाता, जैसे मतलब ये इसका ये हुआ 32, तो आप क्या लिखोगे 2 की पावर 5 पावर जो n वो आगे आ जाएगा, log 2 बेस 2 1, समझ में आ गई बेटा ये कैसे यूज कैसे करना, प्रूफ में बता देता हूं, log n
टू द बेस को एक्स मान, log n to the base a equal to क्या मान लिया x, तो यहां से n equals to क्या निकलेगा ये निकाल पाएंगे log की definition लगा। अब दोनों सर पर अगर हमें 2 raise to 5 पता है तो फिर इसका फायदा क्या हुआ, तो हम directly 5 लिख सकते हैं इसको। हाँ लेकिन ये तो 32 और 2 है ना, आपको पता है बहुत बड़े बड़े नंबर हो तो कैसे पता रहेगा। लार्जर नंबर होंगे तो आपको कैसे पता रहेगा कि 2 की पावर 5 32 है, ठीक है। m इक्वल्स टू a टू द पावर x, पावर n ले लिया दोनों साइड, पावर n ले पावर पावर का मल्टीप्लाई। अब लॉगरिथम, लॉग की डेफिनेशन, लॉगरिथम ऑफ द नंबर m m टू द पावर n टू द बेस रिप्रेजेंट द इंडेक्स। Equals to m और x की वैल्यू log m to the है ना, प्रूफ नोट करें फिर बात करते हैं। तो बेटा ये जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी हैं अभी तक हमने वो सब क्वेश्चन में अप्लाई हुई, और ये एक पार्ट लॉगरिथम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ प्रॉपर्टीज का, सेकंड पार्ट भी जिसमें हम बेस चेंजिंग थ्योरम वगैरह पढ़ी। ओके बस एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग ही करके बताएं लास्ट आज के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ तुझे सबसे पहला कि बेस है a टू द पावर m माइनस n, टू नंबर a टू द पावर m माइनस n क्या होता है, a to the power m upon a to the power लगाओ, a to the power m upon a to the power 2 का square 4 ये याद करो आइडेंटिटी आज ही बताइए, a to the power log b to the base a equal to b, फोर्थ प्रॉपर्टी जितनी प्रॉपर्टी लिखी है उसमें फर्स्ट टू फोर्थ नंबर पे ये बिल्कुल सही, 2 से log 2 कैंसिल। आज में आया क्या, तो आज बेटा हमने जो लॉगरिथम की बेसिक क्वेश्चन अभी काफी करना है अपने को, तब वो प्रॉपर्टी सारी लर्न होंगी, तो कल हम इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आज मैं आपको देता हूं होमवर्क में बिगिनर बॉक्स 2, अभी असाइन भी कर दूंगा ग्रुप पर बिगिनर बॉक्स 2। बिगिनर बॉक्स 2 में दो चीजें हैं, मॉडुलस इक्वेशंस और मॉडुलस इनइक्वालिटी, ठीक है। और एक दे दूंगा प्रैक्टिस शीट 13, प्रैक्टिस शीट 13 में लॉगरिथम की बेसिक डेफिनेशन, लॉगरिथम की जो हमने डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाओ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लाओ, ठीक है, ये दो काम। ओके देन ऑल द बेस्ट होमवर्क करने के लिए, है ना बेटा। ओके मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, बाय।